सिस्टम। तो भाइयों क्या हाल चाल है आप सबका। तो चार मैच हुए, चार मैचों में चार के चार जैकपॉट दिए, चार के चारों में एक तरफा विनिंग कराई इंडिया और वेस्ट इंडीज के टी20 सीरीज में। वनडे में नहीं करा पाया, दो ही मैच जिता पाया क्योंकि वनडे में अपन को इंटरेस्ट ही नहीं है, स्लो स्लो मैच चलता है, यहाँ फास्ट फास्ट पैसा आता है। और आज पांचवा मैच है और आज पूरी कोशिश करेंगे कि पांचवा मैच भी आपका जैकपॉट करा दूं और फिर खुशी खुशी इस सीरीज को अलविदा कहें और फिर फोकस करें कर्नाटका प्रीमियर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग, हंड्रेड्स, लंका प्रीमियर लीग, लेमड़ा धेमड़ा सब पे फोकस है। खैर चलो करेंगे करेंगे। और कल देखो, कल मैंने कल वाली वीडियो में आपको क्या प्रेडिक्शन दिए थे, देखो क्या कैसे सही हुआ। मैंने बोला था ब्रेंडन किंग 20 रन के अंदर आउट होगा, 18 पे आउट हुआ। मैंने बोला था पूरन फ्लॉप, पूरन फ्लॉप हो गया, एक रन बना के आउट हुआ। मैंने बोला था हरसदीप सिंह दो विकेट कम से कम लेगा, पहली इनिंग में बॉलिंग करेगा तो 3-4 भी ले सकता है और उसने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव और चहल, मैंने बोला था इंडिया पहले बॉलिंग कराएगी तो आप कंफ्यूज हो गए कि कुलदीप यादव और चहल में से किसको ड्रॉप करें, तो मैंने बोला था कुलदीप यादव ज़्यादा विकेट लेगा फर्स्ट इनिंग में, उसने ज़्यादा विकेट लिए, 2 विकेट लिए। जसवाल और शुभमन गिल का मैंने बोला था कि ओपनिंग पार्टनरशिप 50 रन से ज़्यादा लगेगी और मैंने जसवाल को स्मॉल लीग टीम में कैप्टन किया था भाई, कैप्टन किया था मैंने, जी हाँ। और मैंने सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप किया था, उसकी बैटिंग ही नहीं आई और लोगों ने उसको कैप्टन कर रखा था। तो भाई साहब ये होता है, ये होते हैं प्रेडिक्शन और ये होता है जलवा, ठीक है। तो आज भी ऐसे ही कुछ खतरनाक प्रेडिक्शन होंगे, खतरनाक बातें होंगी, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको, ऐसा ज्ञान दूंगा जो और किसी ने नहीं दिया होगा और नहीं दे पाएगा, क्योंकि सब मतलब के लिए वीडियो बनाते हैं हम, दिल से शिद्दत से आपके फायदे के लिए वीडियो बनाते हैं। आप अगर खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। बट लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करनी दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई आज बिग बॉस टॉप फिनाले है और आप सबको पता है हमारे दो यूट्यूबर भाई फुकरा इंसान और अलविश यादव दोनों बिग बॉस में हैं, दोनों फिनाले में हैं। और आज आप जिसको भी पसंद करते हो इन दोनों में से आप उसको वोट करो, मैं ये नहीं बोलूँगा आप एलविश को वोट करो, ये नहीं बोलूँगा कि आप फुकरा को वोट करो, जिसको भी आप पसंद करते हो आप उसको वोट करो। अभी आपने मुझे दो दिन पहले देखा होगा एलविश यादव ब्लॉग्स चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग पे कि हम लोग वोट की अपील कर रहे थे, तो हाँ उसके सपोर्ट में हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फुकरा इंसान जो है ना, मतलब उसके पास ऑलरेडी वो अच्छे खासे घर से, अच्छे खासे मतलब लेवल से वो पहले था, उसका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग था पहले से, मगर एलविश यादव गाँव से निकला लड़का, और क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ उसमें, क्योंकि गांव से निकला लड़का और गरीबी से निकल के इतना कुछ करना, वो सब चीज़ें करना, मिडिल क्लास फैमिली वालों के बच्चों को सपने दिखाना, उनको मोटिवेटेड रखना, ये भरोसा दिलाना कि ज़िंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है, तो वो एक एग्जाम्पल है, वो एक इंस्पिरेशन है मिडिल क्लास के जो भी बच्चे हैं, सब लोग हैं, सबके लिए वो इंस्पिरेशन है, गरीबों के लिए तो। और काफ़ी अच्छे अच्छे काम भी करता है, मतलब वो दिखावटी के लिए वो ऐसे नहीं कि एनजीओ नहीं चलाता कि मैं इसको 100 रुपया दे रहा हूँ, इसको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ, खर्च करा रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वीडियो से 1 लाख रुपया आ रहा है, वो चीज़ें वो नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मुझे वो काफ़ी बेहतर इंसान लगता है, तो मैंने उसको उसके सपोर्ट में खुल के थोड़ा मैंने सपोर्ट किया। बाकी आप अगर फुकरा इंसान पसंद है आप उसको वोट करो, लेकिन वोट ज़रूर करो क्योंकि दोनों ही भाई अपनी कम्युनिटी के हैं, ठीक है। और दोनों और एक बंदा 99 वोट कर सकता है, कैसे वोट करना है, जियो सिनेमा का ऐप डाउनलोड करो, सबके पास हो गई वैसे भी, वहाँ पर बिग बॉस ओपन करना, वोटिंग के ऑप्शन में जाना, वहाँ पर जो मैंने जिसको भी आप सेलेक्ट करो आप 99 बार उसको वोट करो बार बार जाके, ठीक है। और फिर देखते हैं आज रात में कौन विनर बनता है, विनर जो भी हो मेरे लिए तो विनर एलविश यादव ही है, ठीक है। बाकी चलो देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम। और अपनी कम्युनिटी के जब होते हैं ना तो एक प्राउड फील होता है, देखो एक हमारी फैंटेसी की कम्युनिटी ऐसी है जिसमें कोई बंदा कुछ हासिल करे तो भैनचोद कोई खुश नहीं होगा, सब जलेंगे, ठीक है। एक दूसरे का नाम लेने में भी सबकी गांड फटती है, कहीं मेरा एक रेफरल कोड डाल के उसका यूज़र ना चला जाए, ये वो अपनी मेरी फैंटेसी फील्ड में भाई बहुत ही गंदगी है। कोई खुश मतलब मैं अगर कुछ हासिल करूँगा, मैं टीवी पर गया किसी ने बधाई नहीं दी, कोई बधाई नहीं देगा, सब साले जलेंगे, तो वो चीज़ें होती हैं, सबकी गांड जलती है एकदम हमारी फील्ड में फैंटेसी में। लेकिन चलो मैं फैंटेसी से अगर जाऊँ तो उसके बाद यूट्यूब में हूँ, तो यूट्यूब कम्युनिटी में कोई अगर अच्छा कर रहा है तो मुझे काफ़ी प्राउड फील होगा, चाहे फुकरा जीते एलविश, बस इन दोनों में से कोई जीते मैं खुश रहूँगा। और जो भी बंदा विन करेगा उसको मैं एक गिफ्ट भी दूंगा, कुछ बढ़िया सा मैं गिफ्ट दूंगा, गेस करो क्या होगा कमेंट करके बताना, ठीक है। तो कर देना सब लोग वोट, वोट करना आलस मत, ये मैं सोचना आपके वोट करने से क्या होगा, वोट जरूर करो, एक एक वोट का फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। तो चलो चलते हैं फिलहाल अपनी वीडियो पे चलते हैं, और हाँ सभी लोग इस वीडियो को फिलहाल लाइक करो, कमेंट करो, सर हर बंदे का एक लाइक और एक कमेंट अगर आएगा तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा, मैं एकदम चिल रहूँगा। तो लाइक और कमेंट सब लोग कर दो, प्यार दो, सपोर्ट दो अपने भाई को, जो भी हूँ आज आपके ही प्यार की वजह से हूँ, तो सपोर्ट हमेशा करते रहो, ठीक है। और रिजल्ट भी अच्छा जा रहा है, अच्छा खासा पैसा कमवा के आपको दे रहा हूँ, तब तो बिल्कुल वो मतलब लाइक वाइक ना करना बिल्कुल, ये तो बनता ही नहीं है, तो लाइक तो करो कमेंट भी करो, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, तो कर लो अभी से और बेल आइकन प्रेस कर लो, आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस मत करना, और मैं लाइव वाइव भी आना चालू कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलो बाकी हाँ, तो एडिटर साहब तुम इंट्रो लगाओ, तुम्हारा स्वागत करो,
और फोकस करते हैं आज के मैच में, इन लोगों को आज का मैच भी इनका जैकपॉट बनवाते हैं और खुशी खुशी इस सीरीज को अलविदा बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करो भाई साहब। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे मुझे लोग बढ़िया होगा, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की 50-20 मैच की, जो कि खेला जाएगा फ्लोरिडा में। देखो बात करेंगे यहाँ पर क्या टीम न्यूज़ है, क्या प्लेइंग इलेवन है और पिच के बारे में जो मैंने पहले बताया, जो मैंने कल देखा, सब चीज़ों पर बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मेरी क्या फैंटेसी की टिप्स हैं, क्या मेरे मैच की प्रेडिक्शंस हैं और क्या मेरी फैंटेसी टीम है इस वक्त, उसकी बात करेंगे। साथ ही में एक चीज़ बता दूँ, प्लेयर्स के स्टैट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग देखना पसंद नहीं करते और वैसे भी वही स्टैट बार बार तो आ रहे हैं, क्या मतलब है रिपीट करने का। तो प्लेयर्स के स्टैट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। और एक और चीज़ कि आपको इस वीडियो में मैं आपको प्रोबो के प्रेडिक्शन भी दे दूंगा, मेरे मैच के प्रेडिक्शन होंगे, प्रोबो के अलग से होंगे, तो तैयार रहो। और क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोबो पर भी पैसा कमा रहे हैं, प्रोबो क्या है बाद में बताता हूँ, पहले ये कि इस वीडियो में जो भी मैं आपको ज्ञान दूंगा वो ज्ञान ले लेना, उससे अपनी अपनी टीम बनाना, ग्रैंडली खेलना, करोड़ों रुपये जीतना, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको मेरी टीम से स्मॉल लीग खेलनी है, जिन लोगों को मेरी टीम चाहिए स्मॉल लीग की, वो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम पर सर्च करो अनुराग द्विवेदी, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। अनुराग एक्स क्रिकेट यूजर नेम है, ब्लू टिक लगा है, वेरीफाइड चैनल है, 12 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पर, परिवार अपना बहुत बड़ा है, वहाँ पर जाके जुड़ जाओ, फ्री है, कोई एक रुपये का पैसा नहीं लगता है। वहाँ पर जितने भी मैचेस, आज तो भाई 9 मैच हैं, 2 मैच लंका प्रीमियर लीग के, 2 मैच वुमेन्स 100 के, 2 मैच मेन्स 100 के, 2 मैच कर्नाटका प्रीमियर लीग के, 1 मैच इंडिया वेस्ट इंडीज़ का, तो 8, 10, 7, 5, 9 जितने भी मैच होते हैं हम सारे के सारे मैच जो हम कवर करते हैं, जिनकी हम टीम देते हैं, वो हम आपको फ्री ही देते हैं और रोज़ अपने टेलीग्राम पर देते हैं। अभी कल T20 ब्लास्ट मैंने 40-45 लाख रुपये विन किए, आप जाके टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो कर लेना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, बिल्कुल फ्री है। बाकी हाँ, जो भी फैंटेसी खेलते हैं, स्मॉल लीग जो भी खेलते हैं, भाई देखो मुझे पैसा कमाना है, मुझे तुक्के पे नहीं चलना, मुझे किस्मत नहीं आजमानी, मुझे लॉटरी नहीं खेलनी है, मुझे पैसा कमाना है तो मैं स्मॉल लीग खेलता हूँ, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर वाले लीग खेलता हूँ, 10 मेंबर, 20 मेंबर, ताकि मैं पैसा कमाऊँ रोज। मैं कहाँ पर ये सब खेलता हूँ, कहाँ पर? विजन इलेवन पर। तो जो भी मेरे नए भाई हैं जिनको नहीं पता है विजन इलेवन के बारे में, तो सभी लोग सुन लो, विजन इलेवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में सबसे कम कमीशन लेता है। वहाँ पर एंट्री फीस आपको उसी कॉन्टेस्ट की, जिस कॉन्टेस्ट की आपसे कोई प्लेटफॉर्म 5700 रुपये ले रहा है, उस कॉन्टेस्ट के ये आपसे 5199 रुपये लेगा, समझ लो। तो एंट्री फीस बड़ी कम होती है क्योंकि कमीशन यहाँ पर बिल्कुल ही ना के बराबर है, तो कमीशन नहीं है तो फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर खेलोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, कभी लॉस में नहीं रहोगे। ठीक है, यहाँ पर लॉस नहीं होगा क्योंकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो आपका पैसा जल्दी बड़ा होगा, प्रॉफिट हमेशा रहेगा, इसलिए मैं भाई यहीं पर खेलता हूँ। और यहाँ पर बड़े बड़े मैचेस में रोज़ फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट भी होते हैं, फ्री कॉन्टेस्ट लाइव हमेशा रहता है। और अच्छी बात ये भी कि आप यहाँ पर सेकेंड इनिंग फैंटेसी भी खेल सकते हो, अगर फर्स्ट इनिंग में अगर आपका कैप्टन वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गया तो आप सेकेंड इनिंग में अपना लॉस कवर कर सकते हो, ये भी गेम है। और 500 रुपये का आपको बोनस भी मिल जाएगा अगर आप डाउनलोड करोगे विजन इलेवन का ऐप अभी, तो जाकर डाउनलोड कर लो विजन इलेवन, वहाँ पर खेलना शुरू करो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। और विनिंग आप देखोगे कि जितने मैचेस आप पहले जीत रहे थे उतने ही मैचेस में जितना हार रहे थे आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, तो जाकर डाउनलोड करो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, मेरे लिंक से डाउनलोड करो और रेफर कोड अनुराग यूज़ करना ताकि आपको 500 रुपये का बोनस मिले। ठीक है, तो चलो बात करें हम टीम न्यूज़ की फिलहाल। तो देखो टीम न्यूज़ की बात करें तो भाई ये मैच जो है ना सीरीज़ का डिसाइडर है, जो भी ये मैच जीतेगा वो बंदा, वो मतलब वो टीम सीरीज़ जीत जाएगी। ठीक है, और इंडिया की टीम तो भाई बड़ी जीत से आ रही है, तो मेरे ख्याल से वो तो कोई चेंज अपनी टीम में करेगी नहीं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम अगर अल्जारी जोसेफ अगर फिट होता है तो अल्जारी जोसेफ मेरे ख्याल से वापस आ जाएगा ओडिन स्मिथ की जगह, बाकी मेरे ख्याल से और कोई चेंज नहीं होगा। बात करें प्रॉबल प्लेइंग इलेवन की, तो प्लेइंग इलेवन दोस्तों आप स्क्रीन पर खुद ही देख लो, ये हमारी प्लेइंग इलेवन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, शुभमन गिल इंडिया कोई चेंज नहीं करने वाली, वेस्ट इंडीज़ की देखते हैं तो वेस्ट इंडीज़ की वही प्लेइंग इलेवन रहेगी जो कल थी, बस अल्जारी जोसेफ आ सकता है अगर फिट होता है तो आएगा, तो ओडिन स्मिथ की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ खास है नहीं प्लेइंग इलेवन में। बात करें पिच की, लेकिन उससे पहले ये दोस्तों बता दूं मैं बोल रहा था ना आपसे कि प्रोबो के बारे में, तो भाई प्रोबो के बारे में क्या है, प्रोबो के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रोबो भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 11 लोग की टीम नहीं बनानी फैंटेसी की, नहीं वहां पर आपको जो भी, देखो मेरी फील्ड क्रिकेट है, मैंने क्रिकेट की फील्ड चुना, मैं उसका आपको बताऊंगा, लेकिन आपकी जो भी फील्ड है चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट की हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे वो बिजनेस हो, कोई भी जो भी जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो आप वो फील्ड अपनी सेलेक्ट कर सकते हो और उस फील्ड के चल रहे सवालों को पढ़कर अपने ओपिनियन दे सकते हो, अपनी राय दे सकते हो और वो राय देके आप पैसे कमा सकते हो।
बस सिंपल है, आपको यस या नो में आपको जवाब देना है और वहाँ से आप आसानी से पैसा कमा सकते हो। ठीक है, जैसे मेरी फील्ड क्रिकेट है तो मैंने यहाँ पर कुछ क्रिकेट के आज के सवाल चुने हैं, करीब करीब 4-5 सवाल चुने हैं और मैं आपको उनके जवाब बता दूंगा। तो जिनको ट्राई करना है वो लोग प्रोवो पर आज वो उन सवालों पर ट्राई करना, पैसा कमा के विड्रॉ कर लेना। अच्छी बात यह है कि आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको अगर मेरे लिंक से प्रोवो कैप अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको बोनस ही मिल जाएगा 30-40-50 रुपये, और वो बोनस आप पूरा यूज़ कर सकते हो। तो जाके प्रोवो कैप डाउनलोड कर लो, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, बात करते पिच की। भाई देखो पिच जो है ना लॉडरेल फ्लोरिडा, यहाँ की पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया, कल आपने लास्ट मैच में देखा होगा एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर है 167 का है, जो भी बताता है पेसर्स को यहाँ पर मूवमेंट मिलता है शुरुआती ओवर्स में, और स्पिनर्स भी मैच में आते हैं, हालांकि कल स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिले क्योंकि एक ही स्पिनर वेस्ट इंडीज़ की टीम खिलाती है। बाकी अगर इंडिया अगर सेकेंड इनिंग बॉलिंग कराए तो स्पिनर्स मैक्सिमम विकेट लेके जाएंगे। ठीक है, पिछले 5 मैच जो ग्राउंड पर हुए हैं स्पिनर्स ने लिए है 31 और पेसर्स ने लिए हैं 35 विकेट। बाकी 160-170 रन का स्कोर आप आज भी उम्मीद कर सकते हो। बात करें दोस्तों हेड टू हेड की तो वही बैर हटाओ, क्या ऐसे बातें करें, पढ़ लो। अब हम डायरेक्टली चलते हैं भाई फैंटेसी क्रिकेट टिप्स पर, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट टिप्स पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये दोस्तों बताना चाहता हूँ क्या कि हाँ जो हमारी जो कल की वीडियो में जो मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे वो उन तीनों सवालों का सही जवाब जो 20 लोगों ने दिया है उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे नहीं पता 20 लोग जीते नहीं जीते, मुझे नहीं पता, मैंने बस क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया। अगर जो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे विनर्स तो आप देख लो कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने कल बोट की स्मार्ट वॉच और ईयरफोन जीता है। तो आपको अगर जीतना है तो आप भी पूरा वीडियो देखो शुरू से अभी एंड तक देखो, मैं आपसे सवाल पूछूंगा उस सवाल का आपको कमेंट करके जवाब देना है, और अगर आपका जवाब अगर आपका सही रहा तो आप भी ये जीत जाएंगे, ये स्मार्ट वॉच जीत जाएंगे। तो उसके लिए बस एक शर्त है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कर लो। बाकी सवाल आगे मैं पूछ लूँगा। ठीक है, तो चलो फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की बात करें तो भाई पहली जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि निकोलस पूरन स्मॉल लीग में विकेट कीपिंग सेक्शन में बेस्ट ऑप्शन है। और लास्ट मैच में आपने देखा होगा शाई होप ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, लेकिन इस फॉर्मेट में मतलब T20 में उतना कंसिस्टेंट रहता नहीं है, बहुत स्लो खेलता है। कल बहुत तेज खेला वो अलग बात है, लेकिन कल पूरन की आत्मा आ गई थी ना उसके अंदर, लेकिन वैसे उतना कंसिस्टेंट रहता नहीं, तो मैं बोलूँगा पूरन ही बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं पूरन के साथ जाऊँगा आज। बाकी बैटिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो जायसवाल गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, यही 4 इंडियन बल्लेबाज हैं जो कि सेफ पिक हैं। लेकिन अगर आपको कुछ अलग, मान लो अगर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेलो जैसे मैं विजन 11 पर खेलता हूँ, वहाँ पर इंडिया के हम 7 प्लेयर ले सकते हैं, वेस्ट इंडीज़ के 4, मतलब एक टीम के मैक्सिमम 7 खिलाड़ी ही ले सकते हैं, तो मुझे मैनेज करना होगा। अगर मुझे एक बल्लेबाज लेना है वेस्ट इंडीज़ का तो भाई मैं या तो मैं मतलब लूँगा पावेल को या फिर किंग को। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं, पावेल पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए अच्छा ऑप्शन है, किंग दोनों इनिंग में अच्छा ऑप्शन है, तो इन दोनों में से किसी एक को आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, हार्दिक पांड्या फिर से सेफ पिक है। लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग एक ही ओवर कराई थी, बट हो सकता है आज करा दे क्योंकि जल्दी विकेट मिल गए तो एक ही ओवर कराया था। बाकी जैसन होल्डर सेफ पिक है, स्पेशली अगर पहले बॉलिंग करे तो, लेकिन अगर सेकेंड इनिंग में भी बॉलिंग करे तो ट्राई कर लेना क्योंकि विकेट निकाल लेगा ये। बाकी अक्षर पटेल ने 4 ओवर डाले थे पिछले मैच में भी, तो अक्षर पटेल अब प्रॉपर ऑलराउंडर वाले रोल में आ जाएगा, बॉलिंग कर रहा है और बैटिंग से भी आपको अगर इंडिया पहले बैटिंग करती इसकी बैटिंग आ जाती तो आपको ठीक ठाक पॉइंट बैटिंग से भी दे देगा, तो ये तो मस्ट पिक है। बाकी काइल मेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो, इस सीरीज़ में अभी तक काइल मेयर्स का बल्ला बोला नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ किसी मैच में तो बोलने वाला है, आज ही आखिरी मैच है, शायद आज ही बोल जाएगा, तो मैं तो उसको ट्राई करूँगा, आप चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, ये पहले बैटिंग करते हुए अच्छा खेलता है। बाकी गेंदबाजों की बात करें, चहल और कुलदीप ये दोनों मस्ट पिक हैं, चाहे किसी भी इनिंग में बॉलिंग आए इन दोनों को रख लेना, ये लोग विकेट दोनों मिलके 3-4 विकेट तो ले ही लेंगे किसी भी हाल में। ठीक है, बाकी अर्शदीप सिंह इसको भी दोनों इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा, तो फर्स्ट इनिंग में तो ज़रूर ड्रॉप करना, मतलब ज़रूर मतलब पिक करना, ड्रॉप करने की भूल मत करना, और सेकेंड इनिंग में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ड्रॉप कर सकते हो, अगर बहुत ज़रूरी रहा तो ड्रॉप कर देना। बाकी ओबन मैकवायर, रोमारियो शेफर्ड ये आपके लिए अच्छा खासा ट्रंप हो सकते हैं बॉलिंग सेक्शन में, अगर पहले वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग करा रही है और सेकेंड इनिंग में अगर वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग करा रही है तो अकील हुसैन को ले सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, इस मैच में हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और निकोलस पूरन ये 3 सेफ ऑप्शन है। कुछ अगर आपको अलग करना है तो कुलदीप यादव को या चहल को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चहल को सेकेंड इनिंग में बढ़िया ट्राई कर सकते हो, चहल को फर्स्ट इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन न ट्राई करना, बाकी अर्शदीप सिंह को बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हो गए भाई मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शंस। अब कि मेरी क्या टीम है इस मैच की उसकी बात करें, नहीं पहले रुक जाओ, पहले मैं आपको अपने मेरे क्या प्रेडिक्शंस हैं वो तो बता दूं जिसकी जिसके लिए आयो, लेकिन उससे भी पहले प्रोवो के मैं आपको प्रेडिक्शन बताता हूँ।
देखो प्रोवो के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 11 लोग की टीम बनाने का कोई झंझट ही नहीं है। यहाँ पर आपको बस यस या नो में जवाब देना है, अगर आपका जवाब सही होता है तो आप पैसा कमा सकते हो और डिपॉजिट करने की ज़रूरत है नहीं। आपको 30 से लेकर 50 रुपये तक आपको फ्री बोनस मिल रहा है अगर अभी आज डाउनलोड करने पर, और पूरा बोनस यूज़ भी कर सकते हो। तो लिंक डाउनलोड करने का मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, यूज़ कर लेना। खैर आज कौन कौन से सवाल हैं वो देखते हैं। सवाल तो बहुत सारे, मैं चार सवाल लेके आया हूँ, उन चार सवालों का मैं अपना प्रेडिक्शन देता हूँ। पहला सवाल ये, 3 ओवर में 25 रन इंडिया बना लेगी, मुझे लग रहा बना लेगी तो मैं इसमें यस करूँगा। 6 ओवर में 45 रन इंडिया बना लेगी, मुझे लग रहा बना लेगी तो मैं इसमें भी यस करूँगा, लेकिन दोनों में ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, दोनों में ठीक ठीक थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा। बाकी वेस्ट इंडीज़ पहला विकेट जो है 3 ओवर में ले लेगी, मतलब वेस्ट इंडीज़ विकेट ले लेगी पहला विकेट 3 ओवर में इंडिया का, मुझे लग रहा ले लेगी तो मैं इसमें यस करूँगा। बाकी इंडिया की टीम 2 विकेट ले लेगी वेस्ट इंडीज़ के 6 ओवर में, मुझे लग रहा नहीं ले पाएगी, एक ही ले पाएगी, तो इसमें मैं नो करूँगा। तो ये मेरे चार मेरे वो हैं, ठीक है। तो अगर आपको अगर ट्राई करना है प्रोबो पहली बार तो आप इन चारों पर आप ट्रेड कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड जरूर करना प्रोबो, मज़ा बहुत आएगा, झंझट नहीं है, सिंपल है खेलना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड करना, रेफर कोड कोई है नहीं, आपको ऐसे ही बोनस मिल जाएगा, बस लिंक से मेरे जाना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरे क्या मैच के प्रेडिक्शंस हैं। तो भाई प्रेडिक्शंस की बात करने से पहले मैं आप लोगों से गिवअवे का एक सवाल पूछ लेता हूं। वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि भाई आज के मैच में फील्डिंग से सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा खिलाड़ी देगा। पहला सवाल ये है कि कौन सा खिलाड़ी फील्डिंग से सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, ये ठीक है, ये मेरा पहला सवाल है। अभी आपसे 2 सवाल आके और पूछूंगा, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट में लिखो, बाकी 2 सवाल और आ रहे हैं, और तीनों सवालों का जवाब एक ही कमेंट में होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। और एक और शर्त है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तो वो भी कर लेना। चलो अब बात करते हैं मैच के प्रेडिक्शंस की। दोस्तों मेरा पहला प्रेडिक्शन ये है कि आज निकोलस पूरन रन पक्का मारेगा वेस्ट इंडीज़ के लिए, साथ में काइल मेयर्स या रोमन पॉवेल में से कोई एक रन मारेगा, ठीक है। चलो अब बात करें दूसरा प्रेडिक्शन, ब्रेंडन किंग और शाय होप, ये दोनों का तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर दोनों में से एक तो पक्का कोई फ्लॉप होगा, वैसे ड्रॉप तो मैं दोनों को करूँगा, मगर दोनों में से कोई एक पक्का फ्लॉप होने होगा, बाकी हिटमैन तो 100% फ्लॉप होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक, बाकी हिटमैन तो पक्का, तो ये 3 में से 2 खिलाड़ी फ्लॉप होने वाले, जिसमें हिटमैन का मैं पक्का हूँ, बाकी ब्रेंडन किंग और शाय होप में से कोई एक, ठीक है, ये फ्लॉप होंगे। तिलक वर्मा फ्लॉप होगा पक्का, आज मैच में तिलक वर्मा फ्लॉप है, वो नहीं चलने वाला अगर बैटिंग आ भी जाती तब भी। बाकी शुभमन गिल और जायसवाल में से भी कोई एक अपना विकेट जल्दी देगा, अब वो गिल होगा या जायसवाल होगा वो आप बताओ, मुझे लग रहा है जायसवाल होगा, क्योंकि क्योंकि मुझे लग रहा है अल्जारी जोसेफ आ जाएगा वापस, और अल्जारी जोसेफ को नेट्स में काफ़ी खेला होगा शुभमन गिल ने, तो उसको उतनी दिक्कत नहीं होगी खेलने में, लेकिन जायसवाल अपना विकेट दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी दो इसके आगे अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव, ये दोनों खिलाड़ी पहले बॉलिंग करते हुए विकेट पक्का लेंगे, ये दोनों खिलाड़ी पहले बॉलिंग करते हुए विकेट पक्का लेंगे। इसमें अक्षय पटेल भी पहले बॉलिंग करते हुए विकेट लेगा इंडिया के लिए, मैंने लिखा नहीं मगर लेगा। बाकी हार्दिक पांड्या और चहल, ये दोनों, और कुलदीप यादव भी, मैंने इसमें लिखा नहीं तीसरा बॉलर, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ चहल और कुलदीप यादव सेकंड इनिंग में विकेट लेंगे। ये हो गए भाई मेरे इंडिया के प्लेयर्स की प्रेडिक्शन। अच्छा नीचे लिखा है अक्षय पटेल टू प्ले ऑलराउंडर रोल, हाँ तो अक्षय पटेल बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इस मैच में आपको अच्छे खासे पॉइंट देगा, बैटिंग से भी 15-20 रन कम से कम बनाएगा और बॉलिंग से विकेटलेस नहीं जाएगा, एक आध विकेट तो लेके ही जाएगा, तो ऑलराउंडर वाला रोल वो प्ले कर देगा। बाकी ओबन मैकवाय तो पक्का विकेट लेगा वेस्ट इंडीज़ के लिए, अगर पहले बॉलिंग कराती है वेस्ट इंडीज़, साथ में जोसेफ या शेफर्ड में से कोई एक विकेट लेगा, देखते हैं जोसेफ खेलता है या नहीं। बाकी अगर वेस्ट इंडीज़ अगर सेकेंड इनिंग बॉलिंग कराती है तो जैसन होल्डर पक्का आज विकेट लेगा, साथ में अकील हुसैन भी एक विकेट, चाहे एक ही विकेट ले मगर विकेट जरूर लेगा अकील हुसैन, खाली हाथ नहीं जाने वाला। तो ये मेरे भाई 8 प्रेडिक्शन से आज के मैच के, इस मैच के देखते हैं कितने सही होते हैं कितने गलत, अभी तक का तो ऊपर वाले कृपा सब बढ़िया ही जा रहा है, देखते हैं आज क्या होता है। अब हम चलते हैं मेरी क्या फैंटेसी टीम है उस पर नज़र डालते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ सबसे उससे पहले बता दूं कि भाई ये जो मैं आपको टीम दिखाने जा रहा हूँ ये मेरी इनिशियल टीम है, मेरी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगी। तो जिन लोगों को मेरी फाइनल टीम देखनी है वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये एकदम फ्री चैनल है, किसी चीज़ का कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ कभी भी, ठीक है, हर चीज़ फ्री है हमारे टेलीग्राम पर। 12 लाख से भी ज़्यादा लोगों का हमारा बड़ा परिवार है वहाँ पर, ब्लू टिक लगा वेरीफाइड चैनल है, यूजर नेम अनुराग एक्स क्रिकेट है, वैसे अगर आप अनुराग द्विवेदी भी सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पर हम सिर्फ इंडिया वाला नहीं, अभी 100 चल रहा है, लंका प्रीमियर लीग चल रही है, कर्नाटका प्रीमियर लीग भी आज से चालू है, 2-4 दिन बाद फिर कैरिबियन प्रीमियर लीग, फिर एक न्यूयॉर्क में हो रही है, अमेरिका में हो रही है T10 लीग, वो चालू हो जाएगी, तो फिर 2-4 दिन बाद कैरिबियन प्रीमियर लीग, कर्नाटका प्रीमियर, सब चालू हो रहा है, तो सभी की आपको टीम वहाँ पर देंगे एकदम फ्री, ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कर लेना।
अब बात कर लेते हैं मेरी क्या फैंटेसी टीम है। अरे एक मिनट यार, वो भी पूछ लूँ, गियोवे का सवाल पूछ लेता हूँ दूसरा वाला। तो जो दूसरा वाला गियोवे का सवाल है वो थोड़ा अजीब है। सबसे बढ़िया बॉलर इस मैच में कौन रहेगा, सबसे बढ़िया बॉलिंग स्पेल कौन सा वो गेंदबाज होगा जो सबसे कम ज़्यादा विकेट लेगा, उसका नाम लिखो, चाहे वेस्ट इंडीज़ का हो चाहे इंडिया का हो चाहे ऑलराउंडर हो चाहे गेंदबाज, फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा इस मैच में, ये आपको गेस करना है। अब मान लो दो अगर बॉलर हैं और दोनों ने तीन तीन विकेट लिए हैं, तो उसमें मैं देखूंगा रन किसने कम दिए हैं, वो विनर होगा। ठीक है, तो बताओ कौन सा गेंदबाज सबसे ज़्यादा विकेट लेगा आज के मैच में। मैं गेस करूँ, मुझे लग रहा है चहल, सही में मुझे लग रहा है चहल, मैंने अपना प्रेडिक्शन बता दिया। तो गेस करो, ये हमारा दूसरा सवाल है। पहला सवाल इससे पहले पूछ चुका हूँ, दूसरा सवाल ये है। तो दो सवालों का जवाब आप कमेंट में लिख लो, तीसरा सवाल हम आपसे आगे पूछने वाले हैं। अब देखते हैं मेरी क्या फैंटेसी टीम है इस मैच की। तो भाई देखो, हमने विकेट कीपिंग सेक्शन भाई साहब निकोलस पूरन को लिया हुआ है। उसका रीज़न मैं बता दूँ साफ साफ, क्योंकि मुझे लग रहा आज मारेगा, तो मैंने निकोलस पूरन को ले लिया है। आप चाहो तो शाहूब को ट्राई कर सकते हो, सैमसन को मैं ट्राई नहीं करूँगा, शाहूब को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बाकी पूरन को लिया है। बैटिंग सेक्शन मैंने लिया शुभमन गिल को, मैंने लिया है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को, और मैंने यहाँ पर लिया हुआ है रोमन पावल को। ठीक है, ब्रेंडन किंग को मैं नहीं लूँगा क्योंकि थोड़ा ऊपर बैटिंग करेगा, जल्दी आउट हो सकता है। और यहाँ पर जसपाल क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी ये जो मैंने टीम बनाई, यहाँ पर हमने तीन इंडिया की गेंदबाज ली हैं और मैं इंडिया के सिर्फ सात खिलाड़ी ले सकता हूँ। अगर इंडिया अगर पहले अगर बॉलिंग कराती है, सेकेंड इनिंग में अगर बॉलिंग कराती है तो मैं अर्शदीप को ड्रॉप कर दूंगा, फर्स्ट इनिंग बॉलिंग कराती है तो मैं चहल को ड्रॉप कर दूंगा, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। फिर हम तीन बल्लेबाज इंडिया के भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में काइल मेयर्स लिया है, हार्दिक पांड्या लिया है, और अक्षय पटेल को लेना जरूरी है, और मैंने मेयर्स को मैंने फिर से लिया है। मुझे लग रहा है मेयर्स भी आज रन मारेगा, अभी पूरी सीरीज में किसी मैच में इसका बल्ला चला नहीं T20 में, मुझे लग रहा है आज चल जाएगा, तो मैंने मेयर्स के ऊपर फिर से भरोसा दिखाया है। बाकी बॉलर्स में मैंने इन चार तीनों को ले लिया, अर्शदीप को, चहल को, कुलदीप को। ठीक है, अब अगर वेस्टइंडीज़ पहले बॉलिंग कराती है तो रोमारियो, शेफर्ड, अजारी जोसेफ या ओबेड मकवाय, इन तीन में से दो जरूर लेना, विकेट वेस्टइंडीज़ के बॉलर्स को भी मिलेंगे, इतना बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया भाई टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन, मैं कैप्टन मैंने फिलहाल तो भाई यहाँ पर निकोलस पूरन को कर दिया है, और वाइस कैप्टन मैंने कर दिया सूर्य कुमार यादव को। हार्दिक पांड्या को इसलिए नहीं किया, पहली बार तो पाँच पर बैटिंग करेगा, दूसरा पाँच पर छः पर बैटिंग करेगा, दूसरा ये है कि मतलब वो बॉलिंग भी लास्ट मैच में एक ही ओवर डाला था, तो हो सकता है वो फिर से काट दे अपने, तो इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी टॉस के बाद देखेंगे क्या होता है, पहले बॉलिंग करती है इंडिया या पहले बैटिंग करती है, वो देख के फिर ये फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिली जाएगी, क्या दिक्कत है। अब चलो बात करते हैं हम अपने गियोवे के तीसरे सवाल की। तो जो हमारा दोस्तों गियोवे का तीसरा सवाल है वो ये है कि बैटिंग में सबसे ज़्यादा रन कौन मारेगा, उस खिलाड़ी का आपको नाम लेना है, सबसे ज़्यादा रन कौन से बल्लेबाज की आज के मैच में होंगे, उस खिलाड़ी का आपको नाम गेस करना है और कमेंट करना है। तो तीन सवाल आपसे पूछ चुका हूँ, तीनों सवालों का जवाब एक ही कमेंट में लिख दो, आंसर कर दो, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये शर्त है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो देखते हैं जिसका जवाब सही होता है वो बोट की स्मार्ट वॉच ईयरफोन जीत जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, प्रोबो डाउनलोड करना, विजन 11 डाउनलोड करना, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप लोग प्यार दोगे, कमेंट करोगे, तो कल से हम और भी मैचेस की वीडियो बनाएंगे, ब्रेक नहीं लेंगे, वरना एक दिन का ब्रेक वैसे बनता है, बहुत थक गया हूँ। चलो मिलते हैं, बाय बाय।